YouTube गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक वॉइस ओवर गेम प्ले लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि यार गेम प्ले तो आपके बहुत अच्छे गेम प्ले डालते हो, तो यार एक वॉइस ओवर भी कर दिया करो। तो चलो भाई, एक वॉइस ओवर गेम प्ले आ चुका है, तो मुझे देखना है कि इसके ऊपर आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई मेरे को लाइक करके जरूर बताना, एंड कमेंट में भी जाकर जरूर बताना कि भैया आप वॉइस ओवर डालो या फिर ना डालो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पोचिंकी के ऊपर ड्रॉप कर लिया, एंड मुझे नहीं लगा था कि मेरे ऊपर भी कोई कूदेगा, क्योंकि सामने की तरफ भी दो स्क्वाड ने जंप लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने जैसे ही लूटना शुरू करा तो भैया गन का अता पता था ही नहीं, तो मुझे मैंने को लग ही रहा था कि ऊपर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो शॉटगन मुझे दो दो मिल गई है, तो और तभी ऊपर बंदे भी लैंड कर दिए। और यहाँ पर भाई मैंने समझ लो बिल्कुल हगा, मतलब कि लिटरली हग दिया भाई, मतलब क्या बताऊँ, बंदे मेरे से मर ही नहीं रहा। अब यहाँ पर एमिंग देखो मेरी, मैं इनके शॉट्स ले रहा हूँ बट मैं सारे शॉट्स मिस कर रहा हूँ। तभी एक बंदे को तो एकदम परफेक्ट शॉट्स पड़ गया, और उसके बाद जो दूसरा था वो भी भागे जा रहा था। तो मैंने कहा भैया जाने तो मैं दूंगा नहीं, अब तुम कितनी भी तेज भाग लो। और इसको मारने के बाद अपने बोट चाचा इधर आकर खड़े हो गए, जिसके तो भैया एकदम पीक लेकर पटाखा बजा दिया। और उसके बाद मैं देख ही रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ओपन में तो नहीं जाना चाहिए, वरना जो मेन बिल्डिंग वाले मतलब कि उस साइड जो बंदे गए ट्रिपल स्टोरी की साइड, वो लोग मेरा पटाखा बजा देंगे। तभी मैं इसके अंदर लूटने घुसा, तो ये पता नहीं क्या मंत्री बन रहा था अंदर बैठ के, क्या करना चाह रहा था, तो इसको भी भैया हमने मार दिया। अब इसको मारने के बाद मैं चला गया भैया आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर यार मतलब कि इस साइड में बोट्स भी एक तो बहुत आता है, जो कि मतलब इतनी दूर दूर आपस में लड़ रहे थे। अब यहाँ पर मेरी शॉट गन यार इतनी दूर तो मैं मार नहीं सकता था, तो यहाँ से मुझे मिल गई भैया एक टोमी गन। और यार मैंने जब सोचा कि जो फायरिंग हो रही है वो पीछे वो किसी बोट की तो है, लेकिन साथ के साथ एक रियल प्लेयर की भी फायरिंग मुझे लग रही थी। तो यहाँ पर तभी मैंने एम लेकर देखा, तो एक बंदा जो है भाई भागता हुआ तो आ रहा था, उस टाइम मुझे लगा ये बोट है। पर जब उसने मेरी थोड़ी बहुत गोलियाँ चलाई और वो मेरे लगी भी, तो मुझे पता लग गया ये रियल प्लेयर है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी भैया जो है मार दिया, अब मैं सीधा जा रहा हूँ इस बंदे को लूटने। उस बंदे को लूट कर मेरे को UMP तो मिल गई थी, और मैं सीधा आ चुका हूँ आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भैया दो स्क्वाड लड़ रही हैं, तो भैया बीच में अगर मैं हाथापाई कर दूंगा तो दोनों की दोनों मेरे हाथों पिट जाएगी। तो सीधा मैं इधर की तरफ आ गया, तो मुझे लग ही रहा था कि वो लोग कहीं इस साइड में लड़ रहे हो, क्योंकि इस साइड गन्स तो मिल जाती है, बट ये ऐसी जगह कि दोनों स्क्वाड की फाइट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पोचिंकी में यहीं पर फाइट चलती है। तो यहाँ पर मैं सीधा लूटने लग गया, तभी मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे इसी घर से, जो कि बंदा जो है ऊपर ही बैठा हुआ था। और ये बंदा बहुत ज़्यादा समझदार था, ये मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं ऊपर आया तो ये नीचे कूद गया, तो भैया मैं इससे भी तेज तो मैं भी नीचे कूद गया। पटाखा मैंने बजा दिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी समझदार प्लेयर था। मेरे को उसका गेम प्ले भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, मतलब कि एकदम पूरा, अगर इस पर कोई ऑटो गन रहती तो शायद मतलब कि 100% श्योर न्यू शायद ये मेरे को मार सकता था। तो यहाँ पर मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, और यहाँ पर मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था सामने से। तभी बंदा मेरे को इसी घर के अंदर नजर आ गया, जो कि बेचारा बस मतलब विंडो टाप ही गया था, बट यार मैंने वही ना फिर मतलब कि स्प्रे कंटिन्यू रखा, और वो उसी स्प्रे में आखिरकार आ गया, और वहीं पर वो नॉकडाउन हो गया। अब फायरिंग तो यहाँ पर भी चारों तरफ से आ रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि भाई बंदा है कहाँ पर। और तभी मुझे पता लग गया यहाँ पर बंदे बहुत कैंप करते हैं, तो बंदा यहीं होगा। तो गाइस देख लिया आपने फ्री फायर का क्या फ़ायदा होता। तो भैया मतलब कि एकदम डायरेक्ट मत घुसो, TPP लेकर बंदे का लोकेशन देख लो, एंड पहले फायर करो फिर मूव करो, यानी कि पहले मूव करो और फिर फायर करो। अब यहाँ पर सामने की फाइट खत्म होती है, बंदा कूदता हुआ था दिखा, और जिसके मैंने मारा और वो भी बेचारा मर गया। तो यहाँ पर अभी नो किल्स हो चुके हैं पोचिंकी में, एंड अभी मेरे पास थोड़ी देर में दो बोट्स आ जाएंगे। अब मैं ये मतलब ये मैं सोचना कि मैंने कोई हैक लगा रखा है, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब कि मैंने बाद में वॉइस डाली है, पहले गेम को आराम से शांति में बैठ के खेला है, एंड पूरा गेम खेलने के बाद मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने इन सबको मार दिया है भाई, सामने की तरफ ये रहे भाई जो दोनों बोट्स मतलब कि एकदम लगे पड़े हैं, लड़ाई कर रहे थे। तो मैंने सीधा सोचा कि भैया चल लेते हैं सीधा इनको मारने, क्योंकि मेरे पास कार और AKM है, तो मतलब कोई कमी नहीं है, बट AKM में एमओ थोड़ी सी कम है, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं। सीधा मैंने इन लोग पे पुश कर दिया, जिसमें से एक बोट तो भाई मतलब कि मेरे को एक टाइम के लिए लगा था कि कहीं ये रियल प्लेयर ना हो, तभी मैंने इतना मूव करा, फिर बाद में पता चला कि बोट ही है। तो यहाँ पर बेचारे कि एक हेडशॉट मारा और ये सीधा मर गया। अब यहाँ पर मैंने सीधा इसको लूटना शुरू कर दिया, और इसके पास से मेरे को 7 का भी ठीक ठाक एमओ मिल गया है, एंड उसके बाद सीधा मैं निकल गया दूसरे बोट को मारने, जो कि मुझे इस वाले घर के अंदर दिख गया। और वो मतलब कि अब तो भाई पबजी वाले के बोट्स का थोड़ा बहुत लेवल बढ़ गया, मतलब कि पहले वो क्या करते थे घर में ही नहीं जाते थे, थोड़े टाइम में ये हुआ कि भाई अब वो लोग घर में घुसने लग गए हैं, बोट्स जो होते हैं घर के अंदर चले जाते हैं, बट अब क्या भाई घर के ऊपर भी चले जाएंगे, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़कर सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस बोट को भी मार दिया, अभी फिलहाल 11 किल्स हो चुके हैं पोचिंकी में। अब बचे भाई 35, जिसमें से सबके सभी रियल होने वाले हैं।
तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गया था रोजो की साइड, क्योंकि यहाँ पर एक एयर ड्रॉप भी था। तभी मुझे रस्ते में एक बोट भी मिला था जिसको मार के मैंने अपना एक और किल बढ़ाया था। एंड यहाँ पर मैं सीधा आ चुका हूँ अभी एयर ड्रॉप लूटने, एंड एयर ड्रॉप लूट कर चलना सीधा सीधा जॉर्जपुर। एंड यहाँ पर अभी देखते हैं भाई बैरल एंड स्कारल है और देखते क्या मिल जाते हो। ओके M249 मिल चुकी है तो मैं स्कारल से एक्सचेंज कर लूँगा क्योंकि एमओ की कमी नहीं होगी। फिर अब सीधे चलते हैं भाई जॉर्जपुर। तो भाई जब मैं जोधपुर की तरफ आ रहा था, मुझे दिखी थी सामने से एक बग्गी आ रही थी जिसके अंदर से दो बंदे उतर गए। एंड ये लोग भाई गाड़ी के लिए आए थे और ये लोग तो भैया सीधा मेरे पे भड़क ही गए, इतना गंदा फायर करने लग गए मेरे ऊपर। तो तभी मैंने सोचा भाई अब गाड़ी भी अपनी ओपन वाली है तो थोड़ा ढंग से चलाना पड़ेगा। एंड अगर मैं और कहीं जाता तो क्या पता इनके जो टीममेट्स थे वो मेरे को मार देते, इसलिए मैं वापस इसी जगह पर आ गया क्योंकि यहाँ पर वैसे कम से कम कवर तो रहेगा। एंड यहाँ पर जो मेरा रेड डॉट था उसको मैंने M249 में लगा लिया, M249 में लगा लिया क्योंकि इस टाइम पर M249 ज़्यादा काम आ जाएगी क्योंकि ये कंट्रोल भी हो जाएगी और बैरल के भी मेरे पास ढंग से मतलब अटैचमेंट्स वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को साउंड तो आ गया था बंदे का, तो मैंने यहाँ पर सीधा नेडिंग करना शुरू कर दी साउंड के हिसाब से। एक बंदे को तो फोड़ दिया मैंने वहीं से। अब मुझे कंफर्म पता था कि दूसरा बंदा जो है भाई उसे रैप देने वहीं किसी छत पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बंदा जो है भाई गेट पर से अंदर जाने की कोशिश करेगा एंड रैप तो यहीं पर देगा। तो भैया मैंने सीधा लॉबी वाले रूम में नेट डाल दिया एंड यहाँ पर मैं एक और नेट जितनी देर में कुक करने लगा तो भैया बंदा तो मर ही गया था। तो यहाँ पर ये लोग शायद से दो ही लोग थे, तो यहाँ पर ये लोग ओल्डेड हो गए हैं। अब सीधा चलना है भाई अगली जगह। अब भाई इधर की तरफ एक फ्लेयर गन चली थी जिसके ऊपर मैं सीधा गाड़ी लेकर जा रहा था। फिलहाल ये जोन के बाहर थी बट मैंने फिर भी चला गया उस तरफ क्योंकि मुझे काफ़ी दूर से दिख रही थी फ्लेयर गन एंड इसको मैं काफ़ी दूर से पीछा करता हुआ आ रहा था इसका। तो यहाँ पर मैं भी सीधा पहुँच चुका हूँ इस फ्लेयर गन के पास। और ये जो एरिया था मुझे यार स्टार्टिंग से कोई ठीक एरिया नहीं लग रहा था क्योंकि ये जो है भैया ये सांपों का एरिया है और यहाँ पर इस सब जगह पर मुझे बहुत डर लगता है। और बंदा मुझे दिख गया था भाई फ्लेयर ड्रॉप के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था। तो जब मैं इस जगह पर पहुँचा तो भाई लिटरली बता रहा हूँ मैं एक टाइम के लिए कांप गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अभी मेरे पे नेट आ जाएगा या फिर अभी मेरे राइट से कोई ना कोई गन पड़ने वाली है। मैं पूरे टाइम इधर आने के बाद ये नहीं सोच रहा था कि भैया कहाँ पर बंदा कहाँ मारूँ क्योंकि वो लोग भी जोन के बाहर बैठे थे और एक डासिया भी खड़ी हुई थी। तो मैं बिल्कुल श्योर था कि ये पूरा का पूरा स्क्वाड हो सकता है और मैं अभी थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। तो मैंने सोचा भैया अब यहाँ पर रहने का तो कोई फायदा नहीं है, सांप से मेरे को मरना नहीं है क्योंकि मेरे मैक्सिमम गेम प्लेस जो होते हैं वो सांप ही खराब करते हैं। तभी जोन ने भी कहा चल भाई निकल ले अब तेरा बहुत हो गया, तो निकल ही ले वही तेरे लिए ज़्यादा बेटर है। और शायद अगर मैं यहाँ से इनसे फाइट लेता तो क्या पता मेरा गेम प्ले खराब हो जाता और मैं यहीं पर मर जाता क्योंकि यार सांप से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो लोग कभी कभार दिखते ही नहीं है। वैसे तो मैं स्पोर्ट कर लेता हूँ काफ़ी तेज क्योंकि मैं जंप कर करके चलता हूँ और कोई बिना फ्लैश हाइटर वाला होता वो भी स्पोर्ट हो जाता है। बट यार जो एकदम मतलब कि एकदम कोबरा होता है यार वो तो भैया भूल जाओ, वो नहीं दिखने वाले होते। तो यहाँ से मैं सीधा निकल गया जोन की तरफ। तो भाई मैं जोन के अंदर आकर भाई छोटे छोटे घरों में बंदे ढूंढने लगा। तभी मुझे एक बंदा भाई पहाड़ पर चढ़ता हुआ दिख गया जिसके ऊपर मैंने सीधा US चढ़ाने की कोशिश करी। बट यार वहीं पर जहाँ पर जैसे दिखा वो जाकर वहीं पर लेट गया। तो मुझे तो कन्फर्म उसकी लोकेशन पता थी बट यार मैं उसको सारी लोकेशन नहीं पता थी। एंड यहाँ पर मैंने जैसे बुश में फायर करा तो कोई मरा ही नहीं, तो मुझे कन्फर्म पता था यार वो इधर ऊपर तो आया नहीं है, मेरे को लग रहा वापस नीचे जाकर घास में लेट गया होगा। तो यार मतलब यही सांप से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अगर आप सोलो से स्क्वाड खेल रहे हो तो। तभी वो बंदे ने सोचा कि मैं अगर भाग कर इधर जाकर लेट जाऊँ, मतलब वो उस टाइम उसका ध्यान मेरे पर नहीं है, उसका सारा का सारा ध्यान है भाई मतलब कि घनी घास कहाँ पर है। वो चाहता है कि वो किसी ऐसी जगह पर लेट जाए जहाँ पर इतनी ज़्यादा घास हो कि कोई उसे मार ही ना पाए। ये लोग भैया घास ढूंढते हैं सीधा, ये लोग ये नहीं देखते कि हम लोग एनिमी को मारे, ये लोग ढूंढते हैं घास। और तभी मुझे सामने से फायरिंग का साउंड आया जिसके ऊपर मैंने भैया एम भी करा। तभी मुझे भाई बंदा तो स्पॉट हो गया बट यार उसके हेडशॉट मैं नहीं मार पाया एंड यहाँ पर मैंने इसके मार दिया भाई दोबारा से हेडशॉट। अब यहाँ पर इसको मैंने काफ़ी खतरनाक तरीके से जो है भाई हेडशॉट तो दे दिया और ये भी बेचारा सोलो था और मतलब देख लो कैसे लेटा पड़ा था वो, ये भी लेटा हुआ था। मतलब यही डर रहता है यार, मतलब बंदे कहीं पर भी लेटे रहते तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है खेलने में। तो यहाँ से मैं सीधा निकल गया भाई आगे की तरफ। अब जब मैं इधर की तरफ खड़ा हो तो मुझे सामने पेड़ पर एक गाड़ी आते हुए दिखी जिसके भैया मैंने गाड़ी में सीधा हेडशॉट तो भजा दिया बट वो नोक नहीं हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कभी कभार ग्लिच भी होता है और कभी कभार हेडशॉट जो है प्रॉपर लगता नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने दो बॉडी शॉट मारे और एक सीधा हेडशॉट मार दिया। तो ये वाला जो बंदा था भैया इसको मारना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि यार एटैक जो है ना मतलब ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था। तभी मुझे एक गाड़ी और दिखी जो कि भैया इनके टीममेट्स की नहीं थी, पहले तो मेरे को लगा इन्हीं का कोई टीममेट होगा बट यहाँ पर मैं इनके जो है भाई बंदों को तो भैया निपटा चुका हूँ। और यहाँ पर इनका जो है एक बंदा मेरे को लगा कि भैया जहाँ गाड़ी थी वहीं पर बैठा हुआ, तो मैं सीधा गाड़ी पर एम करने गया। तभी मुझे वो पेड़ पर पीछे दिख गया जो कि स्मोक करने जा रहा था। तो ये लोग तीन के तीन लोग मर चुके थे बट जो US आई थी वो शायद अलग टीम मतलब शायद अब तो मैं कन्फर्म हो चुका हूँ कि वो अलग टीममेट की थी। एंड मैं तभी लूटने नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे पता था वो यहीं कहीं हिल पर बैठ गया होगा जाकर और वो इंतजार कर रहा होगा कि कब मैं लूटने आऊँ और वो कब वो मेरा मतलब कि पटाखा बजा दे। यहाँ पर मेरे को दिख गया वो भैया हिल से उतरता हुआ आ रहा, तो बजा दिया इसके भी हेडशॉट। अब चलते हैं भैया अगली स्क्वाड पे।
भाई खाली पीली मैं ओपन में भाग रहा था क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी व्हीकल नहीं था, तो तभी मेरे को लगा कि भाई इस वाले घरों में कहीं बंदे ना हो, और जिस खिड़की में मैंने स्कोप करा भैया उसी खिड़की में एक बंदे ने झांका, तो मुझे कंफर्म पता लग गया था भैया इधर बंदे, और ये तीनों के तीनों ओपन में खड़े हुए थे एकदम, मतलब कि पता नहीं करना क्या चाह रहे थे ये लोग भाई, मेरे को एकदम नूब समझ रहे थे, मेरे को काफ़ी देर से देख रहे थे। तो जो पेड़ के पीछे उसका हल्का साइड दिख रहा था उसको ही मैंने मार दिया, तो दो नोक हो गए, और ये तीसरा महाराज बिना स्मोक के रिवाइव देने आ गया, तो तीन नोक थे भाई, अब मतलब तीन नोक कर दोगे तो यार पुश ही करना है अब सीधा, मतलब कि वो अंधा रश मारना अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब मैं सीधा जा रहा हूँ भाई M249 लेकर, तो यहाँ पर मैंने भी 6x इसलिए लगा लिया है ताकि अगर अभी बंदा मेरे को देख लेता, मान लो वो थोड़ा अग्रेसिव प्लेयर हुआ मेरे को मारने के लिए निकल गया, तो 6x काम आ जाएगा, बट अभी तो वो निकला ही नहीं अभी, क्योंकि उसकी तीन नोक है और वो रिवाइव करेगा। तो जहाँ पर मैंने बंदे नोक करे थे वहाँ पर भैया मैंने नेडिंग करना भी शुरू कर दिया ताकि मतलब बाई चांस किसी के पड़ जाए नेड तो थोड़ा भला हो जाएगा अपना भी। तो ये बैठे चारों भैया रिवाइव खेलना यहाँ पर, तो चारों के एकदम मतलब कतई M249 भर सी थी मैंने, तो यहाँ पर देख लो चारों की लाश बिछ गई। अब चलते हैं अगली स्क्वाड पे। तो भाई उन लोग के पास अच्छी बात तो ये कि एक कार थी डाजिया, तो उनकी मैंने कार तो उठा ली, और जोन जो है भाई मेरे ऊपर ही लगभग बन चुका है जहाँ पर मैं आया हूँ, एंड जोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंडर, एंड सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो बंदा था मेरे को देखकर लेट गया, एंड मैंने इसके ऊपर पूरी प्रॉपर कार को मतलब पूरा चढ़ा दिया, बट ये नॉकडाउन नहीं हो, मतलब इतना अच्छा लक कैसे मिल जाता है यार, हम मेरे तो बगल से चले जाते हैं मैं तब मर जाता हूँ, इसके तो ऊपर से चढ़ा दिए तब नहीं मरा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भैया मेरे पे फायर तो हुआ था, तो मेरे को एक मस्त लोकेशन दिखी जहाँ से मैं इन सभी को मार सकता था, तो ये वो लोकेशन, सीधा मैं यहाँ पर आकर बैठ गया, एंड यहाँ पर जितने बंदों को मैंने मारा वो पूरा साउंड से खेल के मारा है। सबसे पहले वाले बंदे को मैंने घास के आर पार इसीलिए मार पाया क्योंकि मैं जब आगे की तरफ आ रहा था तो मुझे पूरा एक बंदे का फुटस्टेप का साउंड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि प्री फायर कर दूं, बट तभी मुझे साउंड आया कि वो बंदा लेट गया, तो मेरे को कंफर्म पता था वो कहां पर लेट चुका है। तो गाइस इसीलिए कहता हूं एक मतलब कि ढंग के, अगर आपको पबजी में मतलब इस तरीके से खेलना है टाइम पास के लिए खेल लो तो आपकी मर्जी, बट अगर आपको इसी तरीके से खेलना है तो एक ढंग का हेडफोन या फिर ढंग का ईयरफोन जरूर ले लो, जिसमें यार एकदम थोड़ा सा 3D साउंड आता हो और मतलब थोड़ा सा बेस भी हो, अगर थोड़ा सा भी बेस होगा ना तो आपको पूरी नॉलेज रहेगी आपको कैसे मारना है। तो यहाँ पर जो बंदा था सामने इसके मैंने ओम भी बजा दी और M249 भी बजा दी, और यहाँ पर इसे फिनिश करना था बस, तो भाई ओम पे ओम बजाएंगे अब इसको फिनिश करने के लिए। ले भाई इसकी तो लगा दी भाई 1000 बम की लड़ी। अब यहाँ पर 28 किल हो चुके हैं, बंदे बचे हैं 2, तो 2 के 2 किल मेरे ही थे, तो मेरे को कन्फर्म पता था कि मतलब 30 किल तो हो ही जाएंगे इजीली, क्योंकि ये दोनों भैया बस अब मेरे को थोड़ा, मैं गलती मैंने यहाँ पर ये कर दी थी कि इनको हल्के में ले लेता, अभी जो सामने वाला बंदा है वो मेरे को 1 HP कर देगा, क्योंकि उसके पास भैया मिनी 14 भी थी, एंड मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पर, अगर मैं इससे मर जाता तो भैया कसम से मैं आज रो देता यार, मतलब इतनी मुश्किल से 28 किल्स निकाले और उसके बाद इतनी छोटी गलती करके मैं मर जाऊँ तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को डर ही लग रहा था कि भाई बंदा यहीं कहीं होगा, तो तभी मतलब कि हेड ही दिख रहा था और उसी पे मैंने मारा, बट बंदा नॉकडाउन नहीं हुआ, अब ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। और एक बंदा कंफर्म मैं कह सकता हूँ पेड़ के पीछे था, क्योंकि जो बंदा रैव होने जा रहा था वो पेड़ के पीछे ही जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लग ही रहा था कि बंदा जो है पेड़ के पीछे होगा, तो तभी मेरे को घास से शॉट आया और उसका मेरे को फ्लैश दिखा था, तो मैंने फ्लैश में दे दिया और बंदा वो पेड़ के पीछे नहीं था। तो यहाँ पर एक बंदे ने भैया खुद पे ही नेड मार रहा है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा करना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पर भैया इससे मैंने काफ़ी मतलब कि एकदम होल्ड करके फाइट ली, और ये देख लो भैया मैंने जरा सा होल्ड करा उसने तो भैया मेरे मिनी भर दिया, अगर मेरे पास Level 3 का हेलमेट वेस्ट नहीं होता तो मैं कंफर्म मर जाता, क्योंकि उसने मेरे मिनी के 2 शॉट मारे वो भी सिर्फ और सिर्फ हेड पे, वेस्ट मेरा शायद पहले से ही डैमेज था मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात से। तो यहाँ पर उनको आगे ही ध्यान देना था क्योंकि मेरे को लग रहा था वो पत्थर के पीछे ही बैठा होगा, बट नहीं वो तो यहाँ पर बैठा था, मतलब एकदम मैंने इतना इजी शॉट मिस करा, मुझे पता नहीं था मैं कर दूंगा ये एकदम नूबड़ेपंती वाले शॉट मैं कर रहा हूँ, बट ये वाला जो फाइनली शॉट लिया वो बहुत प्यारा था। और उसके बाद अभी मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि जो आखिरी बंदा आपको भी पता था घास के अंदर घास के पीछे खड़ा हुआ था, और ये सब तो मर चुके हैं और ये भी पीक ले रहा था, तो ये भी खत्म। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गेम वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में जाकर जरूर बताना कि यार आप वॉइस ओवर वीडियो करो या फिर ना करो, और प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, अगर इस वीडियो पे लाइक ज़्यादा आएंगे तो मैं वॉइस ओवर वीडियो हमेशा डालूंगा, मतलब कि सारी वीडियोस जो आगे आएंगी वो सारी वॉइस ओवर वाली होगी, बट यार अगर रिस्पॉन्स इस पर भी अच्छा नहीं रहेगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा तो यार फिर आपको नॉर्मल वीडियोज ही देखने को मिलेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय, लव यू।